गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इमल्सन के बारे में बात करेंगे कि ये इमल्सन होता क्या है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। तो इमल्सन, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। तो जब हम दो इमिसिबल लिक्विड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और सेक करते हैं उसको, सेक करने पे जो फेज अपीयर होती है, जो मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर को हम इमल्सन बोलते हैं। इमल्सन जो है वो हमारा टू टाइप से हो सकता है। इमल्सन है वो टू टाइप का होता है, ऑयल इन वाटर, मतलब जब हमने ऑयल को वाटर में मिक्स किया, एंड वाटर इन ऑयल, जब हमने वाटर को ऑयल में मिक्स किया। तो ऑयल इन वाटर देखते हैं, इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होगी, डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज, ये ऑयल है, और डिस्पर्सन मीडियम या डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो वाटर होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें मिल्क आता है, वेनिस क्रीम आती है। तो मिल्क में अगर आप देखोगे तो जो क्रीम होती है, जो फैट होता है वो कम होता है और वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, तो मीडियम वाटर हो गया और जो फैट ऑयल होता है वो फेज हो गई। ऐसी वेनिसिंग क्रीम होती है, इसमें भी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ऑयल की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो डिस्पर्सन फेज होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो डिस्पर्सन मीडियम को हम सॉल्वेंट कह सकते हैं और डिस्पर्सन फेज जो होता है वो सॉल्यूट कह सकते हो आप। फिर सेकेंड जो है वाटर इन ऑयल, तो वाटर इन ऑयल में वाटर को ऑयल में मिक्स किया, मतलब ऑयल जो होगा वो डिस्पर्सन मीडियम ऑयल बनेगा, डिस्पर्सन फेज जो होगी वो वाटर की होगी। इसमें बटर देखते हैं, कोल्ड क्रीम आता है, इसमें कॉड लिवर ऑयल आता है। तो अगर आप बटर को देखोगे तो बटर सॉलिड दिखाई देता है, उसमें लिक्विड जो है सस्पेंडेड रहता है, मतलब ऑयल जो है आपका डिस्पर्सन मीडियम होगा, वाटर जो होगा डिस्पर्स्ड फेज में होगा। कोल्ड क्रीम में भी यही होता है, डिस्पर्स्ड जो मीडियम होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम जो होगा वो ऑयल होगा, डिस्पर्स्ड फेज जो होगी वो वाटर की होगी। तो ये इमल्सन के टाइप्स हो गए। टाइप्स ऑफ इमल्सन के बाद इमल्सिफिकेशन आता है। ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो इमल्सिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो जो इमल्सन का जो फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन को हम, उस फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इमल्सन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, तो जब हम दो इमिसिबल लिक्विड लेते हैं, इमिसिबल लिक्विड ऑयल एंड वाटर हमने लिया और उसको वेगोरसली क्या करते हैं, उसको सेक करते हैं। जनरली हम कोलाइडल मिल या होमोजेनाइजर, होमोजेनाइजर या कोलाइडल मिल में क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, इसको सेक करते हैं। तो क्या होता है, इमल्सन का फॉर्मेशन होता है। तो इमल्सन का फॉर्मेशन ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड ऑयल एंड वाटर आर शेकन टुगेदर विगोरसली, इमल्सन इज फॉर्म, जनरली दे आर मिक्स्ड इन होमोजेनाइजर और कोलाइडल मिल। इसके बाद इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो क्या होता है, तो जो हमने इमल्सन का फॉर्मेशन किया था ऑयल और वाटर को मिक्स करके, वो इमल्सन जो है ऑयल एंड वाटर का बहुत ज्यादा स्टेबल होता नहीं है। आप उस इमल्सन को ऐसे रख दो आधा घंटा एक घंटे के लिए, तो दोनों ऑयल एंड वाटर दोनों हमको सेपरेट नजर आएंगे। तो जो ये दो बाउंड्री हमको नजर आएंगी, ये नीचे जो होगा ये वाटर का पोर्शन होगा, ये वाटर कहलाएगा, एंड ऊपर जो होगा ये ऑयल का। तो हमको दोनों बाउंड्री जो है, दोनों फेज जो है वो स्पष्ट नजर आएंगे। तो हम क्या करें इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए, हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो हम कुछ ऐसे एडिशनल सब्सटेंस का यूज करते हैं। हम कुछ ऐसे एडिशनल सब्सटेंस इसमें डालेंगे ताकि जो हमने इमल्सन बनाया होगा उसको स्टेबलाइज कर सके। तो दो सब्सटेंस विच इज एडेड इन इमल्सन टू स्टेबलाइज इट इज कॉल्ड इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट। मतलब वो सब्सटेंस जो इमल्सन को स्टेबलाइज करता है, उन सब्सटेंस को ही हम इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर बोलते हैं। तो वो सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं,
तो वो सब्सटेंस जो है आपका सोप हो सकता है, वो आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट हो सकता है, वो आपका हाइड्रोफिलिक कोलाइड जैसे प्रोटीन, गम, अगार, ये हो सकता है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट में सोप सॉल्यूशन ही क्यों, आखिर हम सिंथेटिक डिटर्जेंट या सोप का ही यूज क्यों करते हैं? तो आप देखते हो ये ऑयल जो होगा ये नॉन पोलर नेचर का होता है एंड वाटर जो होता है पोलर नेचर का होगा। तो इमल्सिफाइंग एजेंट वही सब्सटेंस हो सकता है जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों ग्रुप प्रेजेंट हों। तो जब दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेगा, दोनों को कनेक्ट करे, दोनों मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, कनेक्ट किए रहेगा। जब दोनों मॉलिक्यूल को कनेक्ट कर देगा तो इमल्सन जो हमारा बना था वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। तो इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट क्या क्या होते हैं, मतलब ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इमल्सन को स्टेबलाइज करते हैं, उन्हें हम इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। आइए अब रोल ऑफ इमल्सिफायर है इसको समझते हैं कि इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट जो है इसका रोल जो है वो क्या होता है। तो ये जो इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो इमल्सन को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये इमल्सिफायर होते क्या है, तो हम पहले ही बता चुके हैं इमल्सिफायर जो है आपका सोप होता है या सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है। तो आइए सोप जो है ये केमिकली क्या होते हैं, तो सोप जो है इट इज अ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। तो जो हायर फैटी एसिड के सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट जो होते हैं उनको हम सोप बोलते हैं। अब सोप जो है वो इमल्सन को कैसे स्टेबलाइज करता है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इमल्सन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज क्यों नहीं होता। तो इसको हम समझते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर सेम मॉलिक्यूल है, अगर मान लीजिए ये ऑयल एंड ऑयल का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स कहलाता है। और वाटर वाटर के बीच भी जो फोर्स लगेगा, वाटर एंड वाटर इनके बीच भी जो फोर्स लगेगा उसको भी हम क्या बोलते हैं, वो भी कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। इसके बाद जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं जैसे ऑयल एंड वाटर, इनके मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगना है उस फोर्स को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो जो ऑयल ऑयल का कोहेसिव फोर्स ये ज्यादा होता है, वाटर वाटर का कोहेसिव फोर्स ये भी ज्यादा होता है, और ऑयल एंड वाटर का एडहेसिव फोर्स ये कम होता है। तो सेम मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स, इसलिए ऑयल एंड वाटर ऑटोमेटिकली मिक्स नहीं हो पाते क्योंकि एडहेसिव फोर्स इनका कमजोर होता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो हमको एडहेसिव फोर्स को क्या करना है, बढ़ाना है, तभी हमारा इमल्सन जो है वो स्टेबलाइज हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं सोप जो है उसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं। सोप जो होता है ये सोडियम पामिटेट, इसका फॉर्मूला होता है C15H31COONa एंड सोडियम स्टीरेट ये C17H35COONa कहलाता है। अगर हम ये जो आपका सोडियम स्टीरेट है अगर इसको हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, तो C17H35 को हमने ये वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये टेल है, तो टेल जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही, C17H35 को, और ये कैसा पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये कैसा होगा, ये हाइड्रोफोबिक। और COONa ये जो माउथ बनाया है, COO-NA+, ये माउथ को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसा होगा, ये वाला पार्ट कैसा होगा, ये हाइड्रोफिलिक होगा, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। अब क्या होगा, अब ये हमने यहां पे वाटर एंड ऑयल को हमने लिखा लिया है, ये ऑयल की एक बड़ी सी ड्रॉपलेट जो है वो ऑयल की है। अब जैसे हम ये सोप सॉल्यूशन इसमें डालेंगे, अब सोप सॉल्यूशन यहां पे हमने डाल दिया तो होगा क्या,
होगा ये कि लाइक डिजॉल्व लाइक का यहाँ पे रूल जो है वो अप्लाई होगा, मतलब जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयल में डिजॉल्व होगा एंड हाइड्रोफिलिक जो होगा वो वाटर से कनेक्ट रहेगा। तो क्या होगा ये जो टेल होगी, ये टेल जो होगी ये तो वाटर में सॉल्युबल ऑयल में सॉल्युबल रहेगी, और ये जो माउथ है ये वाटर में क्या हो जाएगा, ये वाटर में सॉल्युबल रहेगा। तो इससे क्या होगा, मतलब ऑयल के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होगा, एडहेसिव फोर्स जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये टेल जो है वो ऑयल में डिसॉल्व है और ये माउथ जो है वाटर में डिसॉल्व है, तो क्या होगा एडहेसिव फोर्स जो हो गया वो इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही एडहेसिव फोर्स इंक्रीज हुआ हमारा इमल्सन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये सोप का रोल था, ये इमल्सिफायर का रोल था इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए।